एपीआई का फर्जीवाड़ा सुप्रीम कोर्ट पहुंचा है। अंसल हाईटेक टाउनशिप मामला सुप्रीम कोर्ट में पहुंच चुका है। सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई की सहमति दे दी है। इस फर्जीवाड़े पर अब सुप्रीम सुनवाई होगी और वो यहां पर डकार गया है। अंसल बालर्स हुए यहां पर परेशान। अंसल एपीआई की लखनऊ में हाईटेक टाउनशिप है और जमीन खरीदी नहीं और नक्शा बनाकर इसे बेच दिया गया है। अधिकांश प्रोजेक्ट आधे अधूरे पड़े हुए हैं और फेज वन के बाद सभी प्रोजेक्ट के जो काम है वो रुके पड़े हैं। वैसे हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ। वैसे अभी पूरा मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा है, वहां पर सुनवाई किस तरीके से शुरू हो सकती है? देखिए, सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस डी वाई चंद्रचूड़ की बेंच में ये मामला लगा था कल और सुप्रीम कोर्ट ने अपनी सहमति जो है सुनवाई के लिए जता दी है और उत्तर प्रदेश सरकार और उत्तर प्रदेश पुलिस से जवाब मांगा है और उनसे पूछा है कि जिस तरह की शिकायत इस याचिका में की गई, क्योंकि जो बायर से उनका कहना है कि उन्होंने रिपोर्ट लिखवाई थी, उसके बावजूद भी सरकार ने एक कमेटी बनाई, 5 सदस्य विधानसभा कमेटी बनाई थी, जिस कमेटी ने अपनी रिपोर्ट में ये कहा कि कुछ जो है पैसे का फेर जो है वो हुआ है। इसके अलावा रेरा उत्तर प्रदेश का जो है उसने भी अपनी तरफ से फॉरेंसिक ऑडिट करवाया था और फॉरेंसिक ऑडिटर की जो रिपोर्ट है उसमें भी इस बात का जिक्र है कि पैसे का फेर जो है इधर उधर पैसा जो है घुमाया गया है। उसके बावजूद भी उत्तर प्रदेश सरकार ने ना कोई ठोस कदम उठाया है, ना ही पुलिस ने कोई ठोस कार्रवाई की है, तो उसके खिलाफ बायर्स का एक ग्रुप जो है वो आया है। बायर्स ने अपनी याचिका में यह भी कहा है कि 2006 में ये प्रोजेक्ट शुरू किया गया था, जिसमें से 39 जो हैं अभी चल रहे हैं और 18 से ज्यादा प्रोजेक्ट पे अभी तक काम भी नहीं शुरू हुआ और लगभग 30,000 से ज्यादा लोगों ने अपना पूरा पैसा जो है वो लगाया था टाउनशिप के लिए। इसमें जो थे लग्जरी अपार्टमेंट्स थे, विला थे, इस तरह का प्रोजेक्ट था जो बनाया जाना था लखनऊ के हाईवे पे। तो अभी फिलहाल इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश सरकार और उत्तर प्रदेश पुलिस से जवाब मांगा है कि उन्होंने क्या कार्रवाई की इस बारे में जवाब दाखिल करें। उसके बाद फिर सुप्रीम कोर्ट में अगली सुनवाई होगी कि जिस तरह से इससे पहले भी यूनिटेक हो, अमरपाली बायर्स हो, आपने देखा मामले में अवैध, आपने बोला कि जवाब मांगा गया है यूपी सरकार से भी और जवाब दाखिल होने के बाद नेक्स्ट सुनवाई होगी आगे आने वाली तारीख में, लेकिन अभी फिलहाल यूपी सरकार को कितने दिन का टाइम पीरियड दिया गया है इस जवाब को देने के लिए? देखिए, अमूमन जब सुप्रीम कोर्ट नोटिस इशू करता है, माफ करिएगा, क्योंकि नोटिस तो इसमें इशू नहीं किया गया है, सिर्फ जवाब मांगा है अभी फिलहाल, तो उसके बाद हो सकता है नोटिस इशू किया जाए। जब जवाब के लिए सुप्रीम कोर्ट 2 हफ्ते या 4 हफ्ते का समय देता है, फिलहाल लिखित ऑर्डर में अभी बात का देखना होगा जिक्र कि कितने दिन में रिटर्नेबल जो है वो कहा गया है जवाब दाखिल करने के लिए। उसके बाद नजर बना के रखिएगा। अवैध, बहुत बहुत शुक्रिया आपका फिलहाल तमाम जानकारियों के लिए। बड़ी खबर आपको बता दें, इसी बीच लखनऊ से बैंक ऑफ बड़ौदा में हैरान करने वाली घटना सामने आई है। बैंक लॉकर से गायब हुआ 1 करोड़ का सोना। इंजीनियर